कोटद्वार से दिल्ली जाने वाली कोटद्वार आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, विधानसभा अध्यक्ष रितु खुड्डी, सीएम धामी, सांसद तीरथ सिंह रावत, अनिल बनोली ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। कोरोना काल से दिल्ली और कोटद्वार के बीच रेल यात्रा पूरी तरह बंद हो गई थी। कोटद्वार की जनता सहित पौड़ी जनपद को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय विधायक रितु खुड़ी भूषण और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के अथक प्रयासों से पूर्ण कोटद्वार और दिल्ली के बीच चलने वाली नई रेलगाड़ी का शुभारंभ किया गया। खुड्डी ने कहा कि कोटद्वार गढ़वाल का द्वार है, रेल के माध्यम से देश की राजधानी से जुड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। कोटद्वार से राजेंद्र खतवाल की रिपोर्ट। खुशी की बात है कि जो मूल मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी गति शक्ति की बात करते हैं, उसी शक्ति को, उसी संकल्प को आज पूरा करते हुए एक और सौगात कोटद्वार को मिली है। कोटद्वार से दिल्ली और दिल्ली से कोटद्वार बहुत बढ़िया टाइम के साथ भी है, लोगों को उसका फायदा होगा। मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी हैं, अनिल बलूनी जी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। लंबे समय से इसकी डिमांड रही है और बहुत मेहनत के बाद ये ट्रेन हमको मिली है, तो आज बहुत ही खुशी का दिन कोटद्वार के लिए।